हेलो हेलो गाइस, आपका निन्नी हर्बल चैनल में स्वागत है। गाइस आज मैं आपको देखो ये जो है रागी दिखाने वाली, इसको बोलते हैं रागी। ये हमारे हिमाचल में ठंडी जगह पे होती है, जहाँ पे ठंडी जगह होती है वहाँ पे होती है, और इसके बहुत ही बेनिफिट है और मैं बताऊंगी आपको इसके क्या क्या बेनिफिट है। तो गाइस ये देखो जो है, हमने इसको पानी में 5-6 घंटे पहले भिगो दिया था, क्योंकि इसके ऊपर ना हल्का हल्का छिलका होता है जैसे, और वो छिलका निकालने के लिए हमें इसको भिगोना पड़ता है। भिगोने के बाद इसको साफ पानी से अच्छी तरह निकालना पड़ेगा, और उसके बाद जो है ये इसका छिलका पूरी तरह से उतर रहा है, और फिर हम इसको सूखने डाल देंगे। सूखने डालने के बाद फिर हम इसके पीस कर इसके बिस्कुट, इसकी चाय, और इसका हमने बहुत कुछ बना सकते हैं। तो बहुत सारी हमें दलिया के रूप में इसे हम वेजिटेबल यानी सब्जियां डाल के इसमें, तो हम इसको वो मीठा नमकीन बना सकते हैं, इसमें दूध भी डाल सकते हैं। तो ये है हमारी रागी, और हम इसे अभी इसमें मंडुआ भी बोलते हैं, पहाड़ी भाषा में इसे मंडुआ बोलते हैं। अब इसमें पानी हम डाल रहे हैं, और उसके बाद ये घुल जाएगी, और इसका सारा ही जो छिलका है वेस्टिंग ऊपर का, वो सारा ही बाहर आ गया, बिल्कुल साफ सुथरी। जो उसमें मिट्टी वगैरह तो वैसे होती नहीं, लेकिन पहाड़ में यहाँ पे हमारी मिट्टी नहीं है, से अपने पथरीली ज़मीन में मिट्टी धूल नहीं होती, और थोड़ा बहुत जैसे डस्ट तो होती नहीं है। इसका जो ऊपर का जो है, देखो ये वाला सारा, जिसको छिलका ही बोलते हैं, जो इसका कवर बोलेंगे, इसके अंदर होती है जो, और वो है सारा इससे निकल जाएगा। और मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से धोऊंगी, धोने के बाद फिर हम इसे सूखने डाल देंगे, और इसे हम फिर ड्रायर में डाल देंगे। ड्रायर में डालने से सीधी सनलाइट इसके ऊपर नहीं पड़ेगी, यानी धूप सीधी नहीं पड़ेगी, और इसमें डस्ट मिट्टी भी नहीं पड़ेगी, और ये एक दिन में ही सूख जाएगी। और देखो ये हमारा सारा छिलका सब निकल रहा है, देखो ऐसे निकल जाएगा सारा छिलका, देखो कैसे बह रहा ऊपर से। ये कुछ भी हमने ऐसे धोनी हो, गेहूँ वगैरह भी जैसे धोनी हो, तो हमें इस तरीके से हम इसे धो सकते हैं। वैसे थोड़ा पानी ज़्यादा ही मैं वेस्ट कर रही हूँ, इतना पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए वैसे। तो गाइस आज हमने ये रागी है टब में से पानी से निकाल के, इस रागी को हमने ये नेट पे डाल दिया है, और इसका सारा पानी निकल जाएगा, और उसके बाद हम दिखाएंगे कल सुबह इसको हम क्या करेंगे, और वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। गाइस हमारे रागी के बिस्कुट बन के तैयार हो गए, मैंने अभी बिस्कुट ही बनाए हैं, तो बिस्कुट आपको मैं दिखा रही हूँ, ये हमने बना दिए हैं अब बिस्कुट, और देखो अब इस पर हम लेबलिंग कर रहे हैं, लेबल लगा रहे हैं। ये बन गए हमारे बिस्कुट, बन के हो गए तैयार, अब हम बनाएंगे चाय और उसके साथ पियेंगे और खाएंगे बिस्किट। बहुत टेस्टी बने हैं, इतने टेस्टी है, मुझे लगता था कि शायद बच्चे पसंद नहीं करेंगे, पर मेरे बच्चों ने तो एक पैकेट ही खाली कर दिया पूरा, ये इतने इनको टेस्टी लगे ये बिस्कुट। तो किसी ने ऑर्डर पिए रागी के बिस्कुट मंगवाने हो तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आपको मैं बता दूं गाइस, ये जो कोदा से रागी मंडुआ मंडल भी बोलते हैं, रक्त को शुद्ध करता है, और करता है प्रतिरोध शक्ति को में सुधार, अनीमिया शुगर कब्ज में राहत, अच्छी नींद में सहायक, अस्थमा गुर्दे की समस्याओं में लाभकारी, प्रोस्टेट रक्त कैंसर, थायराइड गले की जो पेन क्रिया और लीवर के कैंसर को के संबंधित समस्याओं से छुटकारा दिलाने में सहायक है। तो गाइस ये मंगवाना हो तो मुझे मेरे से मंगवा सकते हो आप, और ये हम ऑनलाइन कोरियर के रास्ते आपके घर तक ये रागी के बिस्कुट पहुंचा देंगे। तो प्लीज़ आपने इस पर थोड़ा ध्यान सर्च जरूर करना कि रागी होती क्या है, और ये हमारे हिमाचल में बहुत ज़्यादा है यहाँ पे ठंडी जगह पे। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।